हालेलुया। परम सत्कार योग पास्टर श्याम पॉल जी, जो डिस्ट्रिक्ट संगरूर दे क्रिश्चियन नेशनल फ्रंट के प्रधान ने, जनरल सैकटरी पास्टर बलजिंदर जी, मालवा जोन के कोआर्डीनेटर गुरबाज जी, पंजाब के सकत्र पास्टर भरपूर जी, डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला के प्रधान पास्टर दर्शन जी, राज्य के मुख्य प्रचारक पास्टर सैमसन जी, वर्शिपर पास्टर पीटर जी, मेरे नाल नौजवान आगू सलीम चौधरी जी, साड़ी वर्शिप टीम, बेटियां, साड़े इंटेलिजेंस के मुलाजम, पुलिस के मुलाजम, ते बहुत देर तो पंडाल दे विच बैठे साडे नौजवान बच्चे भैणां नूं, और साडे डिस्ट्रिक्ट बरनाला दे प्रेजिडेंट राजकुमार जी नूं मैं इस जगह ते जियां कहिंदा होया मसीह दे अजीम बरकत नाम विच आप सब नूं सलाम आखदा, सब नूं जय मसीह दी आखदा। सब तो पहला असीं माफ़ी चाहुंदे हां कि असीं लेट हो गए। लेट इस करके नहीं होए कि असी घरों लेट चले, लेट इस करके होए कि सफ़र बहुत ज़्यादा सेगा। हुशियारपुर तो चल के आए, 6:30 बजे ही चले हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट पटियाला दे विच दो प्रोग्राम सिगे, असी वो प्रोग्राम थोड़े लंबे होने करके लेट हो गए, उसके लिए माफ़ी मंगते हैं। तो मैं इस समय बेटे माइकल नूं उहदे जन्मदिन दी, उहदे माता पिता नूं और सारी कलीसिया नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। इस वक्त क्योंकि ये धार्मिक प्रोग्राम आ, बेटे माइकल दे जन्मदिन की खुशी विच रख्या, तो मैं एक दो गल्लां वचन तो ही करनियां चाहुंदा, और मैं इत्थे एक गल दसना चाहुंदा कि परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला वचन। तुसीं विश्वास दे नाल बैठे हो, बहुत सारे भैणां दी, बहुत सारे नौजवानों की, भाइयों की टेस्टमनी होएगी कि जदों तुसीं सच्चे दिल नाल परमेश्वर दे अगे प्रार्थना की, उहदा उत्तर अज नहीं भावें देर नाल आया आउंदा जरूर हैगा। हालेलुया, क्योंकि असीं आलमाइटी गॉड सच्चे परमेश्वर दे अगे जदों घुटने टेक के प्रार्थना करदे हां ते उहदा जवाब 100% आउंदा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अज क्योंकि जन्मदिन और पाजी साहब ने बहुत चंगे तरीके रेफरेंस दे के प्रचार किया कि अज बच्चों की सिखाने की लोड़ आ, क्योंकि जेड़ा ये आधुनिक युग चल रहा ये बहुत खतरनाक है। मां बाप बच्चे नूं पैदा इस करके नहीं करते कि वह बच्चा बड़ा होके अणअज्ञाकारी करे तो अपने मां बाप के लिए बदनामी का कारण बने। मां बाप इस करके बच्चा पैदा कर दे कि जो असी नहीं अपनी जिंदगी काम कर सके साडा बच्चा ना करे, साडा ना रोशन करे, ताकि लोग उस बच्चे के वसीले साडी इज्जत करे। ये मां बाप का एक ड्रीम होगा। सो अज इत्थे जन्मदिन मैं समझता इस करके सैलीब्रेट नहीं हो रहा कि असी सिर्फ केक कटना, तो केक कट के मुबारकबाद देनी या गिफ्ट देनी। जन्मदिन का मतलब यह आ कि जिहड़ा खुदा ने सानू एक नवा साल दिता उहदे विच उस बच्चे ने तरक्की की करनी ते खुदा दे नाल मुहब्बत किन्नी करनी, इस करके दिता। सो इत्थे मैं दसना चाहना कि बाइबल की कहिंदी। बाइबल ये कहिंदी, पवित्र शास्त्र ये कहिंदा, जदों व्यवस्था सार असीं पंज बाब पढ़दे हां उहदे विच खुदा ने मूसा नूं 10 आज्ञावां दित्तियां। 10 आज्ञावां दे विच इक आज्ञा दित्ती कि तू अपने माता पिता की की कर, आदर कर। बहुत बड़ी आज्ञा बाइबल दे विच आज्ञावां दा एक स्थान है, सिक्ख्या दा एक स्थान, पर जिहड़ियां आज्ञावां
अगर असी आज्ञावां दे विच नहीं चलदे ते बेशक आपां सारी उम्र भी बंदगी करदे रहिए ते मैनू लगदा सी खुदा दीआं ब्लैसिंग जिहड़ीआं रूहानी तौर ते ओह पा नहीं सकदे। इस करके आज्ञा की आ कि तू अपने माता पिता दी की कर आदर कर। ये बच्चे दे लई आ। अज बेटे माइकल दा जन्मदिन आ ते ओदे ते आज्ञा लागू होंदी आ कि तू अपने माता पिता दी की कर आज्ञा कर। ते जदों असी व्यवस्था सार छे बाब सत पढ़दे आ ते उत्थे मां बाप नूं भी कुछ आज्ञा दित्ती गई। जे किसी को पंजाबी दी बाइबल आ काइंडली पढ़ दे उच्ची देनी तो मैं समझदा कि साडा आउणा भी सफल होएगा क्योंकि गल बड़ी इंपॉर्टेंट आ। जिम्मेवारियां दोनों पासे आ। एक जिम्मेवारी आ बच्चे दी कि वह अपने माता पिता की आज्ञाकारी करे। तो कलाम च एक जगह भी लिखा है कि जिहड़ा अपने माता पिता की आज्ञाकारी करता उहदी धरती ते लंबी उम्र होएगी। लंबी उम्र आज्ञाकारी च लंबी उम्र। इत्थे मां बाप के लिए भी कुछ फर्ज लिखे ने कि मां बाप ने की करना। व्यवस्था सार छे बाप की सत्त आयत दे विच मां बाप नूं कुछ कहा गया। तुसीं उन्हां नूं अपने बच्चों नूं सिखाओ। तुसीं अपने घर बैठिया रात तुरद्या लेटद्या और उठद्या उन्हां दा चर्चा करो। मां बाप नूं कहा कि तुसी अपने बच्चों नूं सिखाओ। की सिखाओ? बॉलीवुड पॉलीवुड हॉलीवुड नहीं, तुसी परमेश्वर दा वचन सिखाओ जिहदे विच जिंदगी है। मां बाप नूं कहा। मां बाप दा फर्ज आ कि रोटी कपड़ा मकान जिहड़ा इंसान धरती ते पैदा होया उन्हूं मिलना मिलना चाहे अज थोड़ा एक दिन बहुता भी हो सकता पर जिहड़ी हमेशा दी जिंदगी आ पवित्र वचन दे विच आ और ये सिखाउण दे नाल मिलदी और ये सिखाउण दे नाल मिलदी। इस करके मां बाप दा ये फर्ज आ कि बच्चियां नूं वो एजुकेशन दिओ जिहदे नाल उहदी जिंदगी बने जिहदे नाल ओ सच्चे परमेश्वर नूं जाने। बेशक ओ किसे भी सोसाइटी च घूमे फिरे पर जे ओनू बाणी ने कवर कीता होएगा ओ किसे भी दुनिया दी अजिही संगत च नहीं पै सकदा क्योंकि बाणी ओहदा बचाओ करेगी। बाणी ओहदे नाल चलेगी। पर मैं बड़ी अज के सबद करन जा रहा इस तो भी बड़ी एक आज्ञा। ये जिसमानी तौर पर दस हुक्म दिते जिहदे विच पहले चार हुक्म जिहड़े खुदा नाल संबंध रखते जिहड़े छे अगले हुक्म है वह साडे जिसमानी जीवन नाल संबंध रखते जिन्हां विच माता पिता की आज्ञाकारी। पर बाइबल च लिखिया जदों असीं वचन पढ़ते हाँ सारा नूं तुसीं सारे लोग जाणदे। सारा दी औलाद नहीं सी, बिरध हो चुकी सी लेकिन सारा और अब्राहम ने ना औलाद होंदे हुए भी खुदा की आज्ञाकारी विच अपनी जिंदगी बताई। उन्होंने अपना ईमान नहीं गवाया। वो खुदा तो भटके नहीं कि खुदा नूं छड्ड के उन्होंने कदी इधर चल गए जां उधर चल गए क्योंकि वह जानते सी कि जिस खुदा ने पैदा किया वह एक दिन वंश भी साडे तो अगे लैके जाएगा। वह जानते सी पर उहदे लई इंतजार करना पैंदा, समय का इंतजार करना पैंदा। मैं अज मसीह भैणा भरावां नूं बेनती करदा जदों संगती करन आओ ये सोच के ना आओ कि अज ही झोली भर के जाना, ये सोच के आओ कि खुदावन जिहड़ी मेरे अंदर अज कमी आ ये दूर कर दे, झोली मेरी एक दिन भरी जाएगी जे मेरी कमी दूर हो जाए। संगती इस करके करन आओ कि अपनियां कमियां देखणियां ते खुदा दे अगे मन के उहनां नूं छड्ड के जाना, बाकी काम खुदा आप ही कर लैंदा, झोलियां आप ही भरदा। सारा और अब्राहम ने अपने च कमियां देखियां कि कमियां की आ, औलाद क्यों नहीं। इस कमी नूं देख के अब्राहम सारा दुआ करते रहे और अब्राहम उस वेले उम्र उहदी 100 साल ते सारा दी उम्र 90 साल।
ते 75 साल की उम्र च अब्राहम नू पता लगा कमी की आ। जदों ने कमी अपनी दा साज खुदा दे के कीता तद भी 25 साल लग गए। खुदा ने 75 साल की उम्र च वादा किया। ते मैं मसीह भैणा भरावां नू कहना चाहना कि अपने अंदर सबर है कि असी इंतजार करते हैं। असी कहने कि नहीं पास्टर सैम पॉल को जाने हैं पर गल नहीं बनती। असी फिर एक चर्च बदल दे, फिर एक होर चर्च बदल दे, समा खराब कर दे, पर बनता कुछ नहीं। उहदा कारण की आ कि साडे अंदर अब्राहम ते सारा वर्गा ईमान नहीं। ये भाइयों के लिए भी गल आ। ते मैं उस आज्ञाकारी की गल करन लगा जिहड़ी जिस्मानी माँ बाप की नहीं, उस रूहानी पिता दी, ओह कहने पूरी कीती, ओह अब्राहम ने पूरी कीती। 100 साल दी उम्र दे विच इज़हाक मिलिया, लेकिन इज़हाक मिलदे ही खुदा ने उन्हूं एक शर्त ला दित्ती कि अब्राहम इहदी कुर्बानी लैनी ते तू पहाड़ दे उपर लैके आ। तो जरा सोचो कि जिस जोड़े नूं 100 साल दी उम्र च बच्चा मिलिया होवे, खुदा उन्हूं कुर्बानी लई बुला लवे तो किहो जिहा हाल होएगा। मेरा ख्याल है कि मेरे वर्गा भी हुंदा कोई, तो मैं कहना सी खुदावां दे छड्ड मेरा काम हो गया, हुण मैं तैनूं की करना। पर अब्राहम अपने पुत्र नूं लैके पहाड़ ते गया कुर्बानी दे लई। तो बेटा रस्ते पुछदा, डैडी बड़ा किथे आ? कि अब्राहम ने की क्या जहोवा जिरे, खुदा इंतजाम करेगा। और जदों अब्राहम नु लेके गया कुर्बानी दा समा आ गया, जदों कुर्बानी होण लगी, खुदा ने अपने दूत दे वसीले कृपा दी जिहड़ी तलवार आ फड़ ली और अब्राहम नु क्या तेरा विश्वास पूरा होया। हालेलुया। असी विश्वास दे विच पूरे उतरना, इसे करके असी विश्वासी अखवाउंदे, इसे करके अब्राहम नु विश्वासियां दा पिता कहा जांदा। सो अज विश्वास दी गल मैं इस करके तुहानू बेनती करना कि अज असी एक अजिहे असी अज ईवेंट ते अजिहे अज असी ओकेजन ते इकट्ठे होए आ कि एक बच्चे दा असी जन्मदिन सैलीब्रेट कर रहे हैं। तो मैं एक बेनती यह करना चाहना इस जन्मदिन के वसीले कि अपने ईमान नु चेक करना शुरू करो। यहूदी जिहड़ा अपना ग्रंथ पढ़ते हैं वह अपने ईमान के लिए दुआ करते हैं, मुसलमान अपने ईमान के लिए दुआ करते हैं, ते दानियल ने भी अपने ईमान के लिए दुआ की। इसे करके शेर भुखे उन्हें खा नहीं सके। अज जरूर तो अपने ईमान के लिए दुआ करिए। जे तुहाडा ईमान मजबूत होएगा तो तुहानू बेशक सदर कप्तन गोल की तरह अग भी कुछ तुहाडा बिगाड़ नहीं सकती। मेरी गल नोट करके जाओ, ईमान नू मजबूत करो। ते मैं ज्यादा ना गल्ला करता होया मैं अज ये समझदा कि बड़ा एक खुशी का मौका। पासवाना ने अच्छा प्रचार किया, वर्शिपर्स ने अज अच्छी आराधना की, तुसीं अज ब्लैस होए आ। ते जिन्हें तुसीं इत्थे आए आ ये सोच के ना जाओ कि अज कुछ नहीं मिलिया, पर ये सोच के आओ कि 2023 साल जिहड़ा आ रहा वो तुहाडे लई बहुत वधिया साल आ रहा 2023 साल, ये सोच के जाओ। और मैं ये कामना करदा, मैं दुआ करदा कि 2023 नवा साल तुहाडे हर एक की जिंदगी विच एक खुशियां लैके आवे। जिहड़े तुहाडे काम रुके ने जिहदे लई तुसीं दुआवां करदे, परमेश्वर उह 2023 च पूरा कर देवे, ये असीं दुआ करदे तुहाडे। ते भाई साहब दे द्वारा पास्टर सैम जी बड़े मेहनती ने, अज इत्थे आउण दा कारण भी इह आ। मैं उन्हां दी क्योंकि मेहनत नूं देखदा, मैं उन्हां दी जिहड़ी संगति दे नाल प्रेम करदे ने, इस करके उन्हां दा प्रेम मैनूं खिच लिया। अदरवाइज मैं दिसंबर दे विच फंक्शन नहीं रखदा, मैं सिर्फ अपने परिवार के नाल दिसंबर मंथ नूं मैं क्रिसमस मंथ करके सैलीब्रेट करदा, क्योंकि सारा साल असी घरों बाहर रहना हुंदा। लेकिन मैं इन्हां दे प्रेम दे करके मैं रुक नहीं सकिया, मैनूं आना पिया, उहदे नाल दो प्रोग्राम ऐड हो गया। तो मैं कहा चलो जाना ही आ, ये भी प्रोग्राम नाल ही कर लीए। पर मेरा यकीन आ कि एक क्रिसमस तुहाडे लई बहुत खुशियां लैके आएगा, मेरा विश्वास है तुहाडे लई खुशियां लैके आएगा। तुहानूं जिसमानी खुशियां मिलणगियां, रूहानी मिलणगियां, पर याद रखो कि आपां परमेश्वर दीआं आग्ञावां नूं नहीं तोड़ना। मुबारक वो लोग ने जिहड़े अपने पासवानां दे दुआवां विच यकीन रखदे, उहनां दे नाल संगति करदे। सो अपने पासवानां नाल संगति करो,
उन्हां लई प्रार्थना करो और अपने पासवान नूं कदे भी ये कह के छड़ के ना जाओ कि साडी पासवान की प्रेयर नहीं कम करती। हो सकता साडी अपनी प्रेयर दे विच कमी हो, अपनी प्रेयर नूं मजबूत करो। सो खुदाता नूं ब्लैस करेगा। सो बहुत बहुत मुबारकबाद बेटे माइकल नूं, उन्हां दी मदर नूं, उन्हां दे फादर पास्टर सैम जी नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। साडे जनरल सैकटरी स्टीफन जी भी इत्थे बैठे ने, मैं उन्हां दा भी धन्नवादी हाँ क्योंकि ज़्यादा प्रोग्राम पास्टर सैम जी नाल मिलके ही मेरे बनाते हैं। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा और मैं यही दुआ करदा कि खुदा बच्चे नूं हमेशा चढ़ती कला च रखे और एक बेटा अपने माँ बाप लई अपनी कलीसिया लई एक ब्लैसिंग का कारण बने और ये वसीले होर भी बहुत सारे नौजवान आशीष पाउण। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।